सांसद खेल स्पर्धा 12 तारीख से 12 फरवरी से वो चल रही है और 23 और 24 तारीख को फाइनल मैच सर्कल कबड्डी या सांसद खेल स्पर्धा में पूरे क्षेत्र के हमारी लोकसभा के युवा साथी हर ब्लॉक स्तर से हमारी युवा टीम आ रही है। ब्लॉक स्तर से वो खेलों के कार्यक्रम चल रहे हैं और 23 और 24 को फाइनल मैच पुलिस ग्राउंड में यहाँ रखा गया है और उसमें दो इनाम भी रखते हैं बड़े, जिसमें हमारे आदरणीय प्रभारी जी 23 तारीख को आकर के उसका शुभारंभ करेंगे जो लोकसभा स्तरीय फाइनल मैच होंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड टीम आएगी उनको, क्योंकि हर ब्लॉक स्तर से टीमें लगभग कहीं 4 टीमें थी, कहीं 6 टीमें थी, कहीं 8 टीमें थी और वो लगातार वहाँ पर अलग अलग स्थानों के ऊपर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं, वो सब उन टीमों के संपर्क में हैं। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष उन पार्टियों के संपर्क में हैं और वहाँ से वो क्षण करके टीमें आ रही हैं और यहाँ पर जब वो फाइनल मैच होगा तो हमने इंडो फार्म एक 55 हाउस पावर का ट्रैक्टर है और एक 40 हाउस पावर का ट्रैक्टर है, फर्स्ट और सेकंड प्राइस उसके अंदर रखा है और वो डिस्ट्रीब्यूशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और प्रभारी जी हमारे हरियाणा के आदरणीय विप्लव देव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, वो उसका शुभारम्भ करेंगे और लगातार क्योंकि युवाओं के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो इनिशिएटिव रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है, उनकी सोच ये रही है कि युवाओं को खेलों के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा मंच मिले ताकि वो नशे से दूर रहते हुए विकास को अपना वो प्राथमिकता माने। जब व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, खेलों के अंदर वो मजबूती से लगेगा तो विकास की गति भी बढ़ती है। अगर व्यक्ति हमारा युवा कहीं गलत रास्ते के ऊपर चला जाता है तो विकास की गति भी धीमी होती है, शरीर भी खराब होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है, स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार के लोगों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अगर हमने देखा है पिछले दिनों जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का सिस्टम बनाया है, ये बड़ी हम देख रहे हैं कि पहली बार 2014 के बाद देश के अंदर बड़ी संख्या के अंदर गोल्ड मेडल, कांस्य पदक और रजत पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी आए हैं। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने देश का सबसे ज्यादा, देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर इतना इनाम खिलाड़ी जो हमारा गोल्ड मेडल या कांस्य पदक या रजत पदक जीत करके आता है, सबसे ज्यादा अगर इनाम दिया जाता है तो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर वो इनाम दिया जाता है। जो हमारा युवा खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पैरा ओलंपिक में या ओलंपिक के अंदर वो मेडल जीतता है तो उसको 6 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए का इनाम वो दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा देश के अंदर अगर कोई सरकार दे रही है तो मनोहर लाल जी की सरकार दे रही है और इसके पीछे भी युवाओं को तैयार करने में एक बड़ी भूमिका सरकार की होती है और उसका परिणाम, उसके परिणाम भी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेलो इंडिया एक लॉन्च किया गया और खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को जिस प्रकार से एक मंच मिलता है और मंच मिलता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर खेल नर्सरियाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर स्कूल के अंदर खोली है कि 0 ग्राउंड से युवाओं को आगे निकाला जाए और जब वो आगे निकलते हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और देश का सम्मान, देश का मान बढ़ाने का काम करते हैं।
और ऐसे युवाओं को जब वो अपनी प्रतिभा का विधान करते हैं, देश का नाम ऊंचा करते हैं, तो सरकार भी उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के अंदर और सरकारी नौकरी के साथ साथ उनको प्राइज भी कैश प्राइज देने का काम करती है। ये सरकार की जो नीति है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, और उसी कड़ी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि सभी सांसद सांसद खेल स्पर्धा कराएं, और उस कड़ी के अंदर हमने पिछले ईयर भी सांसद खेल स्पर्धा कराई थी, और इस साल भी ये सांसद खेल स्पर्धा जो मैंने कहा है कि वो 12 फरवरी से चालू है। ब्लॉक स्तर से हमारे युवा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 23 और 24 तारीख को वो लोकसभा स्तर के ऊपर उसके अंदर छठ करके, क्योंकि पिछली बार हमने कुरुक्षेत्र में कराया था, अब की बार हमने कहा कि हम कैथल के अंदर कराएंगे, और कैथल के अंदर उसका लोकसभा स्तर का कि यहाँ पर भी पूरे हमारी लोकसभा से युवा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। युवाओं के अंदर बड़ा उत्साह है, और इस प्रकार का मंच जो उनको मिलता है कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं सभी जिन युवाओं ने आज आपके माध्यम से हमारी लोकसभा क्षेत्र के सभी युवा थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सब युवाओं को मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि हार जीत एक अलग पहलू है, हार जीत नहीं होती, एक व्यक्ति आगे आता है एक पीछे रह जाता है, परंतु उसके लिए चैलेंज होता है कि जो पीछे रहता है कि मैं और मेहनत करके अगली बार फिर आगे आऊँ। लगातार खेलों के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देखिए, पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे 10 के 10 चुनाव कार्यालय आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी जी विप्लव देव जी ने उनको खोल दिया है, और उसके ऊपर गतिविधियां चल रही हैं। 10 के 10 लोकसभाओं के अंदर हम चुनाव कार्यालय खोले हैं। कांग्रेस के समय के अंदर गरीब व्यक्ति विश्वास खो चुका था, परंतु नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर गरीब व्यक्ति के अंदर एक उत्साह बढ़ा है, और उत्साह बढ़ा है तो उसके कारण से योजना का जब लाभ पहुंच रहा है, उनको लगने लगा है कि कोई सरकार हमारी चिंता कर रही है, और सरकार उन तक पहुंचने का 100% प्रयास कर रही है। किसान आंदोलन है, किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली कुछ करेंगे, सरकार का जो प्रस्ताव था वो उन्होंने संराज छिपा दिया है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पहली ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जिसने किसानों के हित में बड़े काम किए, बड़े कदम उठाए हैं, स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने। चाहे 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के किसान को सुरक्षित करने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से क्योंकि उसके खेत तक पानी पहुंचाने की बात है, उसके पैदावार भी बढ़ाने का काम। अगर आप लोग देखेंगे, ये देखिए आप लोग, मैं सभी जागरूक पत्रकार हैं, आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूंगा, इस बात को लेकर के आपने करना चाहिए। मैं तो ये बार बार बात बोलता हूं कि कांग्रेस को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उन्होंने 55 सालों के अंदर देश के किसानों के लिए क्या किया है। मैं 10 सालों का विवरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं उसको मैं एक एक शब्द को बताना मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है, परंतु कांग्रेस के जो नेता है वो श्वेत पत्र जारी करें। राहुल गांधी साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो श्वेत पत्र लेकर के आए और वो देश और प्रदेश की जनता को ये बताएं कि हमने किसान के हित के अंदर ये कदम उठाए हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। परंतु कन्विंस, देखिए कन्विंस का विषय नहीं है, ये देश का किसान भी समझ रहा है, देश के लोग भी समझ रहे हैं, और जो जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद आप लोगों के पास भी वीडियो आई है, और वीडियो के अंदर एक किसान नेता, वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ उसको, कौन है कौन नहीं है, परंतु लोगों को इस प्रकार से भड़काता हुआ सुन रहा है उसके अंदर कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ऊंचा चली गई है, इसको हमने कम करना है। ये कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्ष की जो भूमिका निभा रही है देश के अंदर, कि वो देश के विकास को भी हजम नहीं कर पा रही, वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भी हजम नहीं कर पा रही। वो देश अगर कहीं काम करता है विदेशों में जाकर के देश को नीचा दिखाने का, वहां पर पछताव लेकर के राहुल गांधी जैसा व्यक्ति वहां पर आता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति एक बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ऊंची चली गई है उसको हमने नीचा करना है, ये एजेंडा फिट किया हुआ है। ये एजेंडा फिट करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो किसान की खुशहाली को नहीं देख सकते, जो गरीब के
का मकान बनता हुआ नहीं देख सकते, जो गरीब के घर के अंदर अनाज चला जाए वो नहीं देख सकते, वो ये नहीं देख सकते कि उन्होंने गरीब व्यक्ति के घर के अंदर शौचालय बनवा दिया, वो देखना नहीं देख सकते, उनके पेट का हाजमा खराब हो गया, उनका उनके पेट के अंदर लूज मोशन लग गए हैं, और जब लूज मोशन उनको लगे हैं तो इस प्रकार की बातें करते हैं। कहा है कि श्वेत पत्र जारी करें कांग्रेस के लोग, और वो बताएं कि किसान के हित में क्या काम किया है। मैं ये बड़े डंके की चोट के ऊपर कह रहा हूं कि वो जारी करें, और वो कहें लोगों को गुमराह मत करें, किसानों को गुमराह मत करें, वो ये श्वेत पत्र जारी करें कि किस प्रकार से उनकी फसल बिकती थी, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। आपने जो कहा है कि स्वामीनाथन ने, स्वामीनाथन का ट्वीट भी आप लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि स्वामीनाथन ने जो कहा था उसकी रिपोर्ट बनी, उसका चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया। कांग्रेस की यूपीए की सरकार दिल्ली के अंदर थी, हरियाणा के अंदर 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही, परंतु उसके लिए काम नहीं किया। और स्वामीनाथन ने ट्वीट करके कहा, आप लोगों देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर ये ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसान हित के अंदर मजबूत काम कर रही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये स्वामीनाथन ने कहा, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसका ट्वीट आज भी इस दुनिया के अंदर है, वो दिखाना चाहिए कि उसने उस समय में क्या ट्वीट किया था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रशंसा की थी इसके बारे में कि किसानों के हित में मजबूत काम हुए। अपील मैं ये करना चाहूंगा, अपील ये करना चाहूंगा, देखिए आंदोलन से कोई रास्ता निकलने वाला नहीं, सभी जो हमारे आंदोलनरत लोग हैं उन सबको एक अपील करना चाहेंगे कि ये समस्या का समाधान बैठ करके बातचीत से निकलता है, और जिसके अंदर हमारे लगातार केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण भी लगातार वार्ताएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का ही रास्ता होता है, बातचीत से समाधान होता है, क्योंकि रास्ता जाम करना या आंदोलन करना इससे आम पब्लिक को दिक्कतें खड़ी होती हैं, पब्लिक परेशान होती है, पब्लिक को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें ना हो, पब्लिक के समस्याओं को भी ध्यान में रखें, और उसको रखते हुए हमें बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। परंतु इस प्रकार के जो आंदोलन है या सड़क को जाम करना है वो कहीं उचित नहीं है। मेरी अपील है कि बातचीत से ही समाधान निकालें।